चिदंबरम बोले बीजेपी का बड़ा खेल, ये काले धन को सफेद करने की कोशिश है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने और बिना आईडी प्रूफ के बदलने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पहले नोटबंदी की और उससे काले धन पर लगाम लगाने में कोई सफलता नहीं मिली और अब ये कदम एक नया ड्रामा है। आम लोगों के पास 2000 रुपए के नोट नहीं है क्योंकि ये नोट दैनिक खुदरा उपयोग के लिए सही नहीं थे, इसीलिए लोगों ने इसे दूरी बनाई। उन्होंने कहा कि इसका मतलब साफ है कि 2000 रुपए के नोट किसने रखे हैं और उनका इस्तेमाल अब कैसे होगा, आप जवाब जानते हैं। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के नोट बिना आईडी प्रूफ के बदलने से सरकार ने काले धन वालों का रेड कार्पेट पे स्वागत किया है। 2000 रुपए के नोट बदलने से अब सरकार ने काले धन वालों को सफेद बनाने का आसान तरीका दिया है।